शिवपुर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन जारी है। शिवपुर परमानंदपुर के आला काला पोखरे पर श्री पंचमुखी हनुमान जी एवं श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण हेतु भक्तों की भारी भीड़ हो रही है। 30 जून से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलने वाला यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं भंडारा मंदिर के महंत राम निहोर गिरी महाराज के संयोजन में चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक चंचल महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 4th दिन की कथा के दौरान कहा कि जब जब धरा पर आसुरी शक्तियों का विशेष प्रभाव होता है, तब तब ईश्वर का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। हम सबको भगवान श्री कृष्ण जी की तरह अनेकों समस्याओं को झेल कर भी सदैव नेक कार्यों को करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन में अतुल कुमार सिंह, शिव कुमार पटेल उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश्वर पांडे, रामजी पटेल, विमल सिंह, सुनील श्रीवास्तव आदि की प्रमुख भूमिका है। मैंने ये प्रयास किया है कि जो मेरी भावी पीढ़ियां, जब तक मेरी भावी पीढ़ी नहीं बदलती है तब तक मेरे आने वाला भविष्य नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने प्रयास किया अपने कथा के माध्यम से कि मेरे जो भावी पीढ़ियां हो, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, जो आज का जनरेशन जैसा माहौल चल रहा है, मैं अपने कथा के माध्यम से उन्हें एक संस्कारिक बनाना चाहता हूं कि जब उनके अंदर एक संस्कार जागृत होगा तब वो आगे चल करके एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे, नए परिवार का निर्माण करेंगे और हमारे नए भारत का निर्माण होगा।